हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सक्सेस मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा प्यार बच्चों यहां पे हम क्लास टेंथ साइंस जी हां यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं आप पूरा वीडियो वॉच करें पी अब मैं आपको पी में मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया हूं अगर आपको पी चाहिए पीडीएफ चाहिए आपको क्लास टेंथ का नोट्स चाहिए वो भी फ्री में फ्री में तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों जाके सब्सक्राइब करिए वहां पे नोट्स भी क्लास टेंथ का फ्री में देते हैं फ्री में पीडीएफ फ्री में क्वेश्चन पेपर ठीक है ना जो क्वेश्चन पेपर होता है प्रीवियस ईयर का पिछले साल का वो सब सब आपको यसकेम स्टडी टेलीग्राम पर मिलेगा जाके नीचे ज्वाइन है सब्सक्राइब के नीचे तो यूपी बोर्ड में आपको तीन का आपका प्यार समय दिया जाएगा जो पूर्णांक रखा, रखा जाएगा और तीस नंबर आपके स्कूल और कॉलेज से मिलेंगे जो भी आपका जहाँ पढ़ते हैं वहां पे प्रारंभ में पंद्रह मिनट आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा पेपर जो है दो तीन खंडों में प्रोवाइड रहेंगे ठीक है ना एक तो जीव विज्ञान एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री जो भी रहेगा तो इसको हजार इक्कीस प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बारह सेंटीमीटर है तो दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी उत्तल पृष्ठ की दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी तो जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है वह आधी होती है यानी त्रिज्या दोगुनी होगी हमेशा तो 12 2 24 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी चार ऑप्शन दिए हैं ना यहां पे 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों चौबीस सेंटीमीटर हो जाएगा तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बारह सेंटीमीटर है एक उत्तल दर्पण फोकस दूरी कितनी है बारह सेंटीमीटर है तो जो उसकी उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी तो आप याद रखिएगा वो चौबीस सेंटीमीटर होगी कितनी होगी चौबीस सेंटीमीटर प्यारे बच्चों उसकी होगी ओके अगला प्रश्न है यहाँ पे इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा यानी कि इनमें से कौन सी दर्पण में वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है वायु या फिर निर्वात या फिर आप प्यारे बच्चों बोल सकते हैं कांच या फिर आप लोग बोल सकते हैं जल तो यहाँ पे ये है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वो निर्वात निर्वात में ही हमेशा वो बनता है ओके याद रखिएगा अगला है निम्न में दुर्बल अम्ल है यानी कि इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा होता है अब देखिए मैं आपका समीकरण रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यूपी बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट किया हूं डेली आपको वीडियो मिलते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम पर और धीरे धीरे मैं आपका पूरा ख़त्म कर दूंगा जब इसमें आएंगे हम लोग तो इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ओके ना तो निम्न में से दुर्बल अम्ल है दुर्बल अम्ल कौन सा होता है एच होता है या एच होता है या यच होता है या फिर आप कह सकते हैं यच टू फोर होता है इसमें से दुर्बल अम्ल कौन सा होता है इसमें से आपका दुर्बल अम्ल कौन सा होता है आपको सही ऑप्शन प्यारे बच्चों च्वाइस करना है तो जो दुर्बल अम्ल होता है वो यच होता है यानी कि यहाँ पे क्या है यच प्लस और सी एन आन देगा दुर्बल अम्ल की क्या है प्यारे बच्चों पहचान है ठीक है ना अगला यहां पे अमली बिलियन का पीएच मान अम्ली का मान कितना होता है जो अमली बिलियन का पी एच मान याद कर लीजिए सब जानते पी एच वैल्यू जो पी एच वैल्यू होती है अम्लीयता और क्षारीयता क्या होती है माप होती है इससे ही पता चलता है कि कोई विलियन अम्लीय है या फिर क्षारीय है इससे ही हम लोग को पता होती है अगर Account, winter, था विलियन का पीएच मान सात है तो उदासीन होगा सात से कम है तो अमली होगा सात से अधिक है तो क्या होगा होगा तो अमली बिलियन का पीएच मान हमेशा हमेशा सात से कम होता है तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन मिलेंगे सात सात से कम सात से अधिक या फिर शून्य तो जो अमली बिलियन का पीएच मान होता है वह हमेशा हमेशा सात से कम होता है अमली बिलियन का पीएच मान कितना होता है सात से कम होता है अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्या है एक घोल का पीएच चार है तो घोल होगा उदासीन छारी अमली या फिर आयनिक तो यदि एक घोल का पीएच चार है तो घोल कैसा होगा तो जो घोल होगा प्यार बच्चों वो आपका अमली होगा यदि एक घोल का पीएच मान चार है तो घोल कैसा होगा तो याद रखना हमेशा और हमेशा घोल जो होगा वह अमलीय ही होगा घोल कैसा होगा वो आपका अमली होगा अब यहां पे है लघु उत्तरीय प्रश्न और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो 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 अंकों का प्रश्न आपको चैप्टर वाइज भी इसका पूरा पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी जाके आप पढ़ते रहिएगा तो प्रश्न है एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताना है तो एक परजीवी पुष्पी पादप, तो पर पादप कौन सा है अमरबेल जो अमरबेल होता है एक परजीवी पुष्पी पादप है अगला प्रश्न है पादप में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पादों का स्थानांतरण करने वाला ऊतक का नाम लिखिए। यानी पादप में जो प्रकाश संश्लेषण के विले उत्पादों का स्थानांतरण करने वाला ऊतक का, का, का नाम क्या होता है तो फ्लोयम। फ्लोयम होता है आपका फ्लोएम जो फ्लोएम होता है या प्रकाश संश्लेषण के विले उत्पादों का स्थानांतरण करने वाला आपका ऊतक माना जाता है अगला प्रश्न है सूर्य के विकृत विसरित दो अदृश्य किरणों के नाम लिखिए तो सूर्य से विसरित दो अदृश्य किरणें परावैग्नि तथा प्रकाश हैं। तो सूर्य के विसरित दो प्रकाश किरणें को कौन कौन सी हैं? पहला परावैग्नि और दूसरा किरणें हैं। अब आपका है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न और जो कि आपको चार अंक का बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले साल ये पूछा गया था हालांकि 2021 में तो सबको कोरोना वायरस की वजह से प्रमोट कर दिया गया अब देखिए सन दो में आपको अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना तो प्रश्न है रसोई घर में उपयोग होने वाला बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है खाना पकाते समय से गर्म करने पर होने वाली अवक्रिया का समीकरण दीजिए यानी कि जो रसोई घर में उपयोग होने वाला जो बेकिंग सोडा होता है उसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं और खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का क्या देना है समीकरण देना है तो सोडा का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है जब आप कचौड़ी पकौड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं खाने वाला सोडा डालते हैं ना कभी कभी इनका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है कभी कभी जब जैसे कुछ मटेरियल होते चूल वो मतलब पकते नहीं तो उसमें वो डाल देते हैं इन यौगिक का रासायनिक नाम, नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सीओ थ्री है कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग इसका उपयोग कर इसका, इसका निर्माण किया जाता है और इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पे है जब सोडियम क्लोराइड में जल साथ ही साथ सीओ टू और अमोनिया प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा मिलता है और पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है जब इसको पका देंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है ठीक है ना तो यह है क्लास टेंथ का यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसको आप पढ़ के जरूर जाएंगे ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ओके दोस्तों थैंक यू जय हिंद